नमस्कार दोस्तों, आपने कई सारे ऐसे कैंसर के पेशेंट देखे होंगे जिन्होंने कभी भी अपनी लाइफ में गुटखा, पाउच, तंबाकू, सिगरेट और दारू वगैरह, शराब वगैरह नहीं पी, फिर भी उन्हें कैंसर हो गया। तो आज इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि कैंसर का कारण क्या केवल गुटखा, तंबाकू, सिगरेट पीना या ड्रिंक करना ही है, या इसके अलावा भी दूसरे कारण हो सकते हैं? यदि हो सकते हैं तो क्या कारण है? आइए दोस्तों इसको समझते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो कैंसर होता है वो एक कॉम्प्लेक्स डिजीज है ना, एक बंडल ऑफ सिम्टम्स है, ठीक है। और इसके जो सिम्टम्स हैं वो वेरी कर सकते हैं आपके कैंसर के टाइप पर, आपको किस ऑर्गन का कैंसर हुआ है उस पर। आइए इसके कारण भी वेरी करते हैं ना, कारण भी वेरी कर सकते हैं, सिम्टम भी वेरी कर सकते हैं। आइए कुछ रफली हम बात करेंगे, क्योंकि कैंसर पे डेली जो है दिन प्रतिदिन रिसर्चेस हो रही हैं और नए नए डेटा हम लोगों के पास आ रहे हैं, जिसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स धीरे धीरे खुल करके आ रहे हैं जो हमें पहले पता नहीं थे। तो हम रफली एक बात करने वाले हैं कि क्या मेजर फैक्टर क्या होता है, मेजर कारण क्या होता है जिस कारण से व्यक्ति को कैंसर प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। चर्चा आगे बढ़ाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट तक वीडियो देखना ना भूलें, क्योंकि लास्ट तक आप देखेंगे तो ही आपको अच्छे से समझ में आ सकता है। वीडियो अंत तक देखने के बाद में यदि वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। आइए दोस्तों कैंसर के कारण पर जाते हैं। कैंसर के मुख्य रूप से हम उसको यदि डिवाइड करें कारणों को, तो चार मेन कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण होता है बायोलॉजिकल फैक्टर, मतलब उसकी खुद की बॉडी, इंटरनल फैक्टर भी हम इसको बोल सकते हैं ना, मतलब आपकी एज कितनी है, आपका जेंडर क्या है ना। साथ में यदि आपके अंदर जो है वो कार्सिनोजेन के जीन है, मतलब कैंसर के जो है वो जीन आपके अंदर ही मौजूद है, जो हम बोल सकते हैं कि प्रसुप्त अवस्था में है, तो भी आपको कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना। एज तो अपनी जगह मायने रखता ही है, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आपके शरीर की प्रतिरोधात्मक क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगती है और आपको कैंसर के खतरा बढ़ने लगता है ना। और यदि हम जेंडर्स की बात करें तो कुछ ऐसे कैंसर्स होते हैं जो स्पेसिफिकली ज्यादा मेल्स में होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो फीमेल्स में बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एज भी और जेंडर दोनों ही जो है ये कारण बन सकता है। साथ में जैसे मैंने आपको बताया, आपके अंदर के प्री डिस्पोजिशन जिसको हम बोलते हैं, पहले से यदि आपके शरीर में कैंसर के जीन है वो भले ही जेनेटिकली आ गए हों, माता पिता के द्वारा आपके शरीर में आए हों, या फिर आपके द्वारा आपके शरीर ने ऐसे स्टिमुलेंस जो है वो ले लिए हों शरीर से, बाहर से, एनवायरमेंट से, जिसके कारण आपके जो जीन है वो म्यूटेट हो गया हो। अब जीन म्यूटेशन क्या होता है आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, है ना, कि जीन के म्यूटेशन से कैसे कैंसर होता है। जीन का म्यूटेशन मैं रफली बताता हूँ कि जो जीन होते हैं ना, हमारे जो डीएनए होता है उसके जो जीन होते हैं वो अपने स्थान को बदल देते हैं। अब और वो स्थान बदलने के कारण जो है वो जो कोशिका होती है उसमें कुछ फिजियोलॉजिकली जो है चेंजेस आ जाते हैं और उस कारण से आपको कैंसर हो सकता है। तो ये तो रहा पहला कारण। दूसरा कारण है दोस्तों इन्वायरमेंटल फैक्टर, वातावरण। आप जहां रहते हैं वहां का वातावरण, पर्यावरण कैसा है। यदि आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन निकलता है, वहां पर जो है केमिकल युक्त जो है आपको धुआं मिलता है, साथ में आप वहां पर यदि ऐसी जगहों पर रह रहे हैं जहाँ का पानी जो है वो हाईली टॉक्सिक है ना, या आर्सेनिक उसमें ज्यादा है, तो भी आपको कैंसर होने के खतरे बढ़ जाते हैं। साथ में यदि वहाँ का जो हम बोल सकते हैं एटमॉस्फियर, टेम्परेचर और वायु जो है, वहाँ की जो एयर है उसकी क्या क्वालिटी है, वो भी डिपेंड करता है कैंसर को लेकर के। साथ में यदि आप ऐसे स्थान पर रहते हैं जहाँ पर ओजोन जो है उसकी परत बहुत ही पतली हो गई हो, या फिर परत जो है उसमें छेद हो गया हो, तो जो सूर्य की किरणें होती है उस कारण से आपको, उसकी जो सूर्य की यूवी रेज होती है उस कारण से भी कैंसर हो सकता है। दोस्तों अगला कारण है ऑक्यूपेशनल। ऑक्यूपेशनल मतलब आप जहाँ काम करते हैं वहां पर यदि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज हो रहे हैं,
है ना, जिससे रेडिएशन निकलती है, जैसे रेडॉन यदि यूज हो रहा है ना, उस टाइप के यदि पदार्थ आपके यहाँ पे यूरेनियम जैसे पदार्थ यूज हो रहे हैं, तो आपको चांसेस बढ़ जाते हैं कैंसर के। साथ में यदि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यूवी रेस के संपर्क में आते हैं, चाहे आप जो है सनलाइट की यूवी रेस के संपर्क में आए, या फिर आप जो है एक्सरे या दूसरी ऐसी घातक किरणों के संपर्क में लगातार आते हैं, तो आपको कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ऑक्यूपेशन भी अपनी जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और चौथा और मोस्ट इम्पोर्टेंट कारण यही है जो है लाइफ स्टाइल्स के कारण, है ना, LSD डिसऑर्डर के अंतर्गत अब तो WHO ने कैंसर को रख दिया है। तो ये बहुत ही ज्यादा मेजर फैक्टर है, लगभग 70% जो कैंसर होते हैं वो लाइफ स्टाइल के कारण ही होते हैं। लाइफ स्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती है, आपकी डाइट आ जाती है, आप किस प्रकार का खाना खाते हैं, दूसरा आपकी हैबिट्स, है ना, लगभग जैसे मैंने आपको बताया कि 70% चीजें तो बैड हैबिट्स के कारण ही होती है। तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, या फिर आप शराब पीते हैं, किसी भी प्रकार का यदि आप इस प्रकार का नशा करते हैं, तो आपको कैंसर का खतरा बढ़ जाता है ना। अब बढ़ने से मतलब क्या है, जब भी आप ऐसी कोई सी भी चीज शरीर के अंदर लेते हैं जो आपके शरीर के अंदर जा करके उसको उद्दीपित कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, तो कैंसर बढ़ सकता है। दोस्तों ये तो कुछ कारण हुए, रफली मैंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति ने गुटखा, तंबाकू, पाउच, सिगरेट वगैरह जो है वो शराब नहीं पी है, फिर भी उसको कैंसर कैसे हो गया है, तो ये कुछ कारण थे, इस कारण से उसको कैंसर हो सकता है। दोस्तों इसीलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आपको इस प्रकार की कोई भी हैबिट है, तो आप उसे तुरंत सुधार लीजिए, है ना। कई सारे लोग ये बोलते हैं कि यार हमको गुटखा खाते हुए 10 साल हो गए हैं, 15 साल हो गए, अभी तक तो नहीं हुआ, है ना, तो अब क्या हो जाएगा। तो इसका कारण मैं बताता हूँ कि आपके अंदर यदि जीन है ना, मतलब कार्सिनो जीन है, और यदि वो लेटेंट है ना, तो आप एक एक हद तक वो जो है वो बियर कर सकता है आपके स्टूडेंट्स को, और हो सकता है कि जो आप गुटखा सिगरेट तंबाकू 15 साल से खा रहे हैं, तो 16वें साल में, 20वें साल में, 21वें साल में आपको कैंसर हो जाए। ऐसा आप बिल्कुल भी मुगालदे में मत रहिएगा कि आपको, आप 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं तो अभी तो नहीं हुआ तो आगे क्या होगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। दोस्तों ये वीडियो बनाने के पीछे आपको डराना नहीं था, आपको सचेत करना था। दोस्तों मैं और मेरी पूरी टीम कैंसर को लेकर के बहुत ही डेडिकेटेड है, और यदि हमको कोई भी कैंसर के पेशेंट हमसे मिलते हैं, तो हम उनकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यदि आपके परिवार में, आपके पड़ोसियों में, या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स में किसी को भी कैंसर है, तो आप हमसे निशुल्क परामर्श ले सकते हैं, और निशुल्क हमसे जो है सलाह ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी दोस्तों के साथ में, और वीडियो को सब्सक्राइब कर किए बिना नहीं जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।